बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ उमर सैलेड जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक खीरा ले लिया है, इसको मैं साइड से काट लूँगी और इसके बाद लॉन्ग स्लाइस काट के मैं इसे बारीक क्यूब्स में कट कर लूँगी। तो आपने सेम ऐसे ही कर लेना है, ये बहुत ही हेल्दी होता है सेहत के लिए। डाइट जो लोग करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बिल्कुल हमने बारीक बारीक स्लाइस कर लेने हैं, इसका नाम कचूमर है तो हमने इसे बिल्कुल बारीक क्यूब्स में कट कर लेना है। इस तरीके से हम मज़ीद इसे बारीक कर लेंगे। तो खीरा जो है हमारा ये अच्छे से कट हो गया है, इसे साइड पे कर देंगे। अब एक टोमेटो लिया है मैंने, टोमेटो को भी मैं सेम इसी तरीके से बारीक काट लूँगी। बिल्कुल पहले लॉन्ग स्लाइस में काट लिया मैंने, इसके बाद अब मैं इसको छोटे छोटे क्यूब्स में बारीक काट लूँगी। आप चाहें तो बीज निकाल भी सकते हैं, सिर्फ बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो डाल सकते हैं। अगर आप बीज डालना चाहते हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। इसके बाद अब यूँ कट करने के बाद हम इसे मज़ीद क्यूब्स में बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो टोमेटो भी हमारा रेडी हो गया है, इसे हम साइड पे कर लेंगे, बॉल में ऐड कर लेंगे, खीरे वाले बॉल में जिसमें हमने सैलेड रेडी करना है। इसके बाद मैंने एक प्याज लिया है, इसको मैं पील ऑफ कर लूँगी और लॉन्ग स्लाइसिस में सेम इसे भी काट के बारीक क्यूब्स में कट कर लूँगी, चॉप कर लूँगी। बहुत इजी होता है बनाना, झटपट से बन जाता है, हेल्दी होता है। कुछ इसमें चीज़ें ऐड होंगी आगे तो वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे प्याज का तीखापन दूर करने के लिए पानी में ऐड कर दिया है और एक टेबल स्पून मैं इसमें सिरका ऐड कर दूंगी। सिरका जो होता है वो प्याज का तीखापन ख़त्म करता है। तो इसे थोड़ी देर के लिए मैंने भिगो दिया है, मैं इसे स्ट्रेन करके रख दूँगी। एक लेमन ले लिया है, इसे स्लाइस में कट करके इसका लेमन जूस मैं ऐड करूँगी सैलेड में। इसके बाद मैंने मिंट लीफ लिए हैं, इन्हें भी मैं बारीक कट कर लूँगी। आप चाहें तो सब्ज धनिया भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया, मैंने मिंट ऐड किया है बारीक। मैं इसे पत्तों को बिल्कुल बारीक कर लूँगी, चॉप कर लूँगी, इसे भी मैं ऐड कर दूँगी। प्याज मैंने स्ट्रेन कर लिए थे वो ऐड कर दिए हैं। इसके बाद मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया है, जो लेमन हमने कट किया था। इसके बाद मैंने एक टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया है, जैतून का तेल, ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसे ज़रूर इस्तेमाल किया करें अपनी डाइट में। कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल ये जो है ख़त्म करता है, होने नहीं देता। हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसके बाद मैं इसमें मिंट लीव ऐड कर दूँगी जो हमने बारीक कट करके रखे थे। तो यहाँ पे मैंने पुदीना ऐड कर दिया है, हमारा सैलेड जो है कचूमर सैलेड रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, अल्लाह हाफिज़।